हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आपको यूथफुल स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद है और वो भी चाइनीज़, तो फ्रेंड्स आज हम ऐसे ही एक ड्रामा की बात करेंगे। आज हम जिस ड्रामा की बात करेंगे उसका नाम है स्केट इनटू लव। ये 2020 में रिलीज़ किया हुआ है ड्रामा। इस ड्रामा के टोटल 40 एपिसोड्स हैं और ये रोमांटिक कॉमेडी, स्पोर्ट्स और यूथ थीम्ड ड्रामा है। इस ड्रामा के एक्टर एक्ट्रेस हैं स्टीवन जैंग और जेनिस वो। इस ड्रामा की रिलीज डेट है 19 मार्च 2020। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। स्केट इनटू लव ड्रामा जो है वो एक नॉवेल से अडेप्ट किया गया है जिसका भी नाम यही है, और ये कहानी बताता है स्पीड स्केटिंग गर्ल टैंग शिव की, जो कि आइस हॉकी गॉड से मिलती है ली यू बिंग से कॉलेज कैंपस में। और जब दोनों मिलते हैं तो एक साथ वो अपने ड्रीम्स को कैसे परस्यू करते हैं और ड्रीम्स परस्यू करते करते उन्हें कैसे प्यार हो जाता है, ये इसी की कहानी है। इस ड्रामा में जेनिस वो टैंग शिव का कैरेक्टर प्ले करती हैं, जो कि स्पीड स्केटिंग गर्ल के नाम से जानी जाती है। इनिशियली वो एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट होती है जो अपने सपनों पे गिव अप कर चुकी होती है एक एक्सीडेंट की वजह से, और वो एनिमल मेडिसिन मेजर चूज कर लेती है कॉलेज में। पर कॉलेज में अपने एक्स क्लासमेट से मिलने के बाद उसे अपना ड्रीम वापस से याद आता है, वो फिर से अपने ड्रीम पे वर्क करने लगती है और अपने आप को इम्प्रूव करने लगती है बहुत सारी हार्डशिप क्रॉस करने के बाद। स्टीवन जैंग इस ड्रामा में ली यू बिंग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि आइस हॉकी मेल गॉड के नाम से जाने जाते हैं पूरे कॉलेज में, और वो कैप्टन है यूनिवर्सिटी हॉकी टीम का। ली यू बिंग आइस गॉड के नाम से जाना जाता है और उसकी परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट्स में एक्सीलेंट है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोल्ड बट एडोरेबल लड़का है जिसके पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी अफेक्शनेट है वो। उसे टैंग शिव से प्यार हो जाता है और वो अपनी लाइफ में उसके वजह से काफ़ी नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने लगता है। इस ड्रामा के सेकेंड लीड्स की बात करें तो जो ली जीव प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर यू यान का, जो कि एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़का है और वो भी एक जीनियस है आइस पे। वो लिंदास यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे एंटर करता है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का लड़का है। चू यू इस ड्रामा में जो रैन का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जो कि जर्नलिज्म में मेजर करती है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है और बड़ों को काफ़ी वो पसंद आती है। वो टैंग शिव की कज़न है जिसे ली यू बिंग काफ़ी पसंद है, पर जब उसे पता चलता है कि टैंग शिव और ली यू बिंग एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं तो वो अपने प्यार को रोक देती है और उन दोनों की हेल्प करने शुरू कर देती है। अब इस ड्रामा के प्लॉट की बात करें तो प्लॉट कुछ ऐसा है। ली यू बिंग जब एलिमेंट्री स्कूल में था तो वो काफ़ी टिमिड पर्सनैलिटी का लड़का था और टैंग जियू उसे हमेशा तंग करती थी। उन दोनों में एक चीज़ हमेशा से कॉमन थी, वो ये कि वो दोनों आइस पे अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते थे। जब वो दोनों दोबारा से लिंदा यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तो ली यू बिंग आइस कॉट के नाम से जाना जाता है, लेकिन टैंग जियू अपने ड्रीम को गिव अप कर चुकी होती है और बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है अपनी लाइफ को लेके। ली यू बिंग उसे अपना पुराना बदला लेने के लिए अपना असिस्टेंट बना लेता है ताकि वो उससे बदला ले सके। बदला लेते लेते ली यू बिंग को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि टैंग जियू काफ़ी अच्छी लड़की है और कहीं ना कहीं उसका जो सपना है आइस पे हॉकी प्ले करने का, वो सपना भी कहीं ना कहीं टैंग जियू से ही उसे मिला है। और वो फिर उस टैंग जियू की हेल्प करने लगता है उसके खोए हुए सपने को वापस से जगाने के लिए, जो सपना था स्पीड स्केटिंग का। जब वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है उन्हें,
तब धीरे धीरे उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आने लगती हैं पास्ट को लेके, क्योंकि टैंग ज़िव का फर्स्ट लव बियान चैंग रिटर्न करता है कॉलेज में। उनके बीच में एक दो नहीं काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग एक साथ आनी शुरू हो जाती हैं। जू श्यू रैन जो कि कॉलेज की बहुत ही पॉपुलर लड़की है वो भी इंटरफेयर करने लग जाती है। उन दोनों के पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप को। उनके कंपटीशन के ड्यूरिंग उनको इंजरीज हो जाती हैं और उनका करियर तक दांव पे लग जाता है। उन दोनों के सामने एक के बाद एक परेशानी आती ही रहती है और उन परेशानी को सॉल्व करते करते उन दोनों का प्यार और भी काफ़ी गहरा होने लगता है और अंत में वो दोनों अपने सपने को पूरा कर लेते हैं और हमेशा के लिए साथ में हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी की समरी और प्लॉट। अब बात करते हैं इस ड्रामा के रोमांस एस्पेक्ट की। तो इस ड्रामा में आपको रोमांस भी मिल जाएगा, उतना फास्ट मोशन रोमांस नहीं होगा स्टार्टिंग में क्योंकि वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उतना स्टार्टिंग में रोमांस आपको देखने को उतना नहीं मिलेगा। पर धीरे धीरे जब वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं तो उनके बीच में रोमांस भी ग्रेजुअली डेवलप होने लगता है। अब बात करें इस ड्रामा के कॉमेडी एस्पेक्ट की, तो स्टार्टिंग के एपिसोड्स में आपको अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। अब बात करें इस ड्रामा के स्पोर्ट्स और यूथ एस्पेक्ट की, तो इस ड्रामा में आपको ड्रीम्स, यूथ, कॉलेज लाइफ इन सब का अच्छा खासा रूप देखने को मिल जाएगा। कैसे वो दोनों अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हैं और उन ड्रीम के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो फेस करते हैं उन प्रॉब्लम्स को, ये सब आपको अच्छे से इसमें देखने को मिल जाएगा इस ड्रामा में। तो अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है या हॉकी पसंद है तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस ड्रामा को दूंगी 8 out of 10 points। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या फिर कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।